हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिड सो बच्चों ये है सेकंड पार्ट क्लास टू मार्च के सेवन चैप्टर रानीज गिफ्ट का और हम थे पेज नंबर सेवेंटी सिक्स पर जहां नेक्स्ट टॉपिक है पंप चौपाल पम्पकिन की चौपाल पम्पकिन बोलते हैं कद्दू को ये पम्पकिन है सेंटर में और चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं बातें करने के लिए या फिर कुछ डिस्कस करने के लिए लुक एट द पिक्चर को देखिए एंड कंपेयर वेजिटेबल्स आर लाइटर और कंपेयर करिए कि कौन सी वेजिटेबल्स दूसरी वेजिटेबल्स से लाइटर है हल्की है लाइट मतलब हल्की या फिर हैवियर है हैवी मतलब भारी कौन सी वेजिटेबल्स दूसरों से हल्की या भारी है ये आपको कंपेयर करना है तो ये पिक्चर आप देखेंगे इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स हैं एक बार नाम देख लेते हैं ये तो पंपकिन है सेंटर में पंपकिन जिससे हम बोलते हैं कद्दू उसके बाद ये है लेडी फिंगर भिंडी ये है चिली मिर्च ये है बॉटल गोड लौकी उसके बाद ये है राडिश मूली यह है मस्क मेलन खरबूजा फिर यह है कैप्सिकम कैप्सिकम शिमला मिर्च ये है कैरेट कैरेट गाजर ये है वाटर मेलन वाटर मेलन तरबूज और यह है कॉलीफ्लावर गोभी ये सभी बहुत कॉमन वेजिटेबल्स हैं आपने देखी होंगी अभी सबसे पहले पंपकिन कहता है आई एम हैवियर मैं हेवियर हूं भारी हूं दान बॉटल गॉड मैं बॉटल गॉड लौकी से ज्यादा भारी हूं फिर यहाँ पर कैप्सिकम कहती है आई एम लाइटर मैं हल्की हूं दान कॉलीफ्लावर मैं कॉलीफ्लावर गोभी फुल गोभी से हल्की हूं आई एम ब्लैंक दान पंपकिन ये वॉटरमेलन कहता है आई एम अब आपको फिल करना है ब्लैंक पर heavier आएगा या लाइटर आएगा पंपकिन और वॉटर मेलन आपने देखे होंगे देखो ये है watermelons और ये पंपकि वॉटरमेलन साइज में भी बड़े होते हैं और ज्यादा हैवी भी होते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक में आप फिल करेंगे वॉटर मेलन कहेगा आई एम हैवियर मैं भारी हूं एक पंपकिन से उसके बाद आ, ये यहाँ पर बॉटल गॉड लॉकी कहता है आई एम हेवियर मैं भारी हूं कैरेट एक कैरेट से कैरेट गाजर आपने देखी होगी लॉकी देखा होगा एक लॉकी का वेट ज्यादा होता है गाजर से वो भारी होता है होता है उसके बाद चिली कहती है आई टेल यू मैं तुम्हें बताती हूँ आई एम द मोस्ट मैं क्या हूं मैं सबसे ज्यादा हल्की हूं तो यहां पर आना चाहिए था आई एम द लाइटेस्ट मोस्ट नहीं आना चाहिए था या फिर आई एम द मोस्ट लाइट भी हो सकता है तो मैं सबसे ज्यादा हल्की हूं ओके सो पंपकिन बॉटल गॉड से हेवियर है कैप्सिकम कॉलीफ्लावर से लाइटर है देन वाटर मेलन पंपकिन से हेवियर है बॉटल गॉड कैरेट से हेवियर है और लाइटेस्ट सबसे हल्की है चिली मिर्च वॉट डू यू थिंक इज हेवियर आप क्या सोचते हैं कौन heavier है कौन भारी है भारी होता है वो हैवियर होता है पंपकिन से वॉटर मेलन नाउ फिल इन द्लॉग्स मस्क मेलन इज हेवियर दैन कैरेट जो मस्क मेलन है यहां पर ये कैरेट से हैवियर है गाजर से भारी होता है आगे है कैप्सिकम इज लाइटर दैन किसी भी एक वेजिटेबल का नाम लिखिए जिससे कैप्सिकम लाइटर है हल्की है तो देखो कैप्सिकम ने कहा भी है यहां पर आई एम लाइटर दैन कॉलीफ्लावर मैं कॉलीफ्लावर से क्या हूँ हल्की हूँ तो आप कॉलीफ्लावर भी लिख सकते हैं या फिर कैरेट भी लिख सकते हैं कैरेट से भी एक जो कैप्सिकम है वो हल्की होती है आप वाटरमेलन भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं कॉली फ्लॉर नेक्स्ट नाउ ब्लैंक इज हेवियर दैन ब्लैंक दो वेजिटेबल्स का नाम लिखिए यहां पर आप हैवी जो भारी वेजिटेबल है उसका नाम लिखेंगे और यहां पर किसी लाइट वेजिटेबल का तो आप लिख सकते हैं दैट राडिश इज हेवियर दैन लेडी फिंगर एक राडिश मूली हेवियर होती है भारी होती है वियर दैन लेडी फिंगर एक भिंडी से नेक्स्ट ब्लैंक इज ब्लांक ब्लैंक इज लाइटर दान अब यहां पर एक वेजिटेबल का नाम लिखना है जो इससे लाइटर है सो so, कोई भी दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं कैरेट लाइटर है पंपकिन से एक गाजर हल्की होती है पंपकिन से या फिर कैरेट लाइटर होती है बॉटल गॉड से ये भी आप लिख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल या फिर कैरेट लाइटर है वाटरमेलन से या फिर कॉलीफ्लावर लाइटर है पंपकिन से ठीक है कोई भी दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सो so, यहाँ पर लिख देते हैं कैरेट इज लाइटर दैन कैरेट इज लाइटर दैन पंपकिन कैरेट लाइटर है हल्की है पंपकिन से ब्लैंक इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल ये सबसे ज्यादा हैवी है सबसे ज्यादा हैवी तो सबसे ज्यादा हैवी सभी वेजिटेबल्स में कौन है वॉटर मेलन तो यहां पर आप लिखेंगे वॉटर मेलन इज दस्ट ऑफ ऑल ब्लैंक इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा हल्की कौन है हरी मिर्च चिली ओके नेक्स्ट नाउ लेट अस डू अब आपको करना है कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स अपने आसपास से कुछ चीज़ें इकट्ठा करिए कलेक्ट करिए सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड हैवियस्ट अमंग दोज उनमें से कौन हल्की है, कौन भारी है उन्हें अलग करिए सॉर्ट करिए अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट फिर सभी चीज़ों को उनके वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब सबसे पहले सबसे हल्की चीज़ आएगी फिर उससे भारी फिर उससे भारी मान लीजिए आपने अपने आसपास से फेदर इकट्ठा किया फैदर एक पंख लिया वो सबसे हल्का है उसके बाद कुछ आपने लीव्स ले ली पत्ती उसके बाद लीव्स आप रखेंगे फिर आपने कुछ मार्बल्स लिए कंचे लिए या स्टोन्स पत्थर लिए स्टोन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फिर कोई फ्रूट आपने लिया लीव्स के बाद फ्रूट आएगा वो फिर कोई बड़ा पत्थर स्टोन आपने लिया है उससे हैवी वो है ठीक है इस तरीके से आपको उन चीज़ों को अरेंज करना है सबसे पहले सबसे लाइट हल्की चीज़ फिर उससे भारी फिर उससे भारी लास्ट में हैवीएस्ट सबसे भारी ओके okay? से भारी भी कोई चीज़ अगर आप इकट्ठा करेंगे अपने सराउंडिंग से तो वो भी आप लिखेंगे ओके okay? देखिए तरी, इस तरीके से आप इन चीजों को रखेंगे सबसे पहले जो लाइटेस्ट सबसे हल्की चीज है फिर उससे हैवी फिर उससे हैवी और लास्ट में सबसे हैवी तो पहले आपने एक फेदर रखा फिर एक लीफ रखी फिर कोई भी छोटा फ्रूट रखा और फिर स्टोन्स रखे ओके हाउ डू यू नो विच इज लाइट एंड विच इजी आपको कैसे पता लगा कौन सी चीज लाइट है कौन सी हेवी है तो आपने उनको लिफ्ट करके उठा के देखा होगा फील करने से या फिर आप बोल सकते हो उसको उठाने में आपको आसानी हुई तो आपको पता लगा कि वो हैवी है फिर जैसे आपने स्टोन को उठाया तो वो हाथ पे आपको हैवी लगा उसको उठाने में लिफ्ट करने में ज्यादा एफर्ट लगे ठीक है या फिर आप बैलेंस भी यूज कर सकते हो इस तरीके का स्केल से भी आप कंपेयर कर सकते हो दो चीजों को खैर अभी वो नहीं है अभी आप यहां पर सिर्फ लिखेंगे क्वेश्चन था कि कैसे पता लगा विच इज हैवी इज लाइट तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाय लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करके उठाकर नेक्स्ट मेक योर ओन बैलेंस अपने अपना खुद का बैलेंस बनाइए तराजू बनाइए मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ पेपर कप पेपर कप आप लेंगे थ्रेड एंड अ हैंगर एक थ्रेड लेंगे धागा और हैंगर लेंगे लाइक द वन शोन हेयर जैसे यहां पर शो किया गया है ये हैंगर आपने लिया दोनों तरफ थ्रेड से उन कप्स को हैंग किया नाउ कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट्स। अब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करिए जैसे इरेजर बॉल बेड अ बीड मोती पेंसिल क्रियॉन एट्सेट्रा टू सी विच वन इज हेवियर आप क्या करेंगे यहां पर आपने इरेजर रखी यहाँ पर आपने एक बीड मोती रखा अब देखेंगे उसके बाद कि कौन हैवियर है ज्यादा भारी है कौन हल्का है तो होगा क्या जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है फॉर एग्जाम्पल अगर बीड आपका छोटा सा है यहां पर यह है एक आ, मोती और ये आपकी इरेजर है इरेजर हैवी है तो जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है बैलेंस का उस तरफ जो कप होगा वो आपका नीचे झुक जाएगा ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ओके लेटस डू अब हम करते हैं सर्कल द हेवीएस्ट वन इन तीनों में से सबसे भारी कौन है पेंसिल बुक या फिर बैग बैग सबसे ज्यादा हैवी होगा तो इसे आप सर्कल करेंगे नेक्स्ट ये एक पॉलिथीन uh, है जिसमें बहुत सारे ऑरेंजेस हैं एक बकेट है और क्रियॉन है so अगर बकेट फुल ऑफ वॉटर है तो फिर वो हैवी होगी लेकिन यहां पर ऐसा दिया नहीं है अगर बकेट खाली है तो फिर ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होगा सबसे भारी होगा नेक्स्ट सर्कल द लाइटेस्ट वन अब सबसे हल्का जो है उसे सर्कल करना है डॉल गिफ्ट या इरेजर इनमें इरेजर लाइटेस्ट सबसे हल्की होगी फिर बॉल स्टिक या फिर बलून बलून सबसे हल्का होगा जो मैच बॉक्स है उसके अंदर स्टिक्स होंगी वो थोड़ा हैवी होगी और बॉल और बलून में बलून लाइटेस्ट होता है ओके बलून लाइटर होता है हल्का होता है लेटर्स थिंक टिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को टिक करिए जो जो बैलेंस है आपका उसे नीचे की तरफ लेकर जाएगी हमने देखा था नीचे की तरफ कौन लेकर जाता है जो हैवी होता है यानी कि आपको उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को टिक करना है जो हैवी है मार्क लाइट एल एंड हैवी है उस पर एच लिखिए जो लाइटर है हल्की है उस पर एल लिखिए जैसे पंपकिन और पटेटो में से पम्पकिन हैवियर है पटेटो लाइटर है तो यहां पर आपने एच लिखा यहाँ पर एल लिखा उसके बाद वॉटरमेलन और ये ऑरेंज है ऑरेंज लाइटर है तो यहाँ पर आप एल लिखेंगे वॉटर मेलन हैवी भारी है तो यहाँ पर एच लिखेंगे देन एक कोकोनट और एक मैंगो में से कोकोनट होगा भारी होगा और मैंगो लाइट होगा हल्का होगा उसके बाद एक एप्पल और एक लेडी फिंगर में से एप्पल एप्पलर होगा भारी होगा और लेडी फिंगर लाइटर होगी ओके okay? तो आप कहेंगे ऑरेंज ऑरेंज लाइटर लाइटर हल्का है या फिर वाटरमेलन मेलन इजियर दैन ऑरेंज देन कोकोनट इजियर दैन मैंगो या फिर मैंगो इज लाइटर दैन कोकोनट एन एप्पल इजियर दैन लेडी फिंगर

हल्का है और जिसमें सैंड आपने भरी है वो हैवियर होगा हालांकि दोनों देखने में साइज सेम है लेकिन ये भारी है हेवियर है और ये लाइटर है क्वेश्चन था विच बैग इज हेवियर तो आप लिखेंगे बैग फिल्ड विद सैंड बैग जिसमें सैंड भरी है नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर्स पिक्चर्स को देखिए एंड डिस्कस और डिस्कस करिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज बाई पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो नीचे पिक्चर में लोग अलग अलग तरह के बैलेंस को यूज कर रहे हैं टिक द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन इनमें से किस टाइप के बैलेंस को आपने पहले बैलेंस मतलब जिससे हम वेट मेजर करते हैं इनमें से किस तरह की बैलेंस को आपने पहले देखा है सो सबसे पहले गैस सिलेंडर के वेट को मेजर करने के लिए इस तरह के बैलेंस को यूज किया जाता है गैस सिलेंडर स्केल इसको बोलते हैं फिर कई जगहों पर शॉपकीपर्स आपने देखे होंगे वो इस तरह के बैलेंस को यूज़ करते हैं यहाँ पर वेट्स होंगे और यहाँ पर जो चीज़ आपको खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल राइस लेने हैं या फिर आ, कोई दाल लेनी है चीनी लेनी है कुछ भी वो इसमें रखेंगे और वेट करेंगे उसके बाद एक बैलेंस इस तरह का भी होता है यहाँ पर इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका वेट कितना है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा और एक ये बैलेंस है तराजू इसमें ये नीचे दो पान्स होते हैं बिल्कुल इसी की तरह एक में आप वेट रखते हैं और दूसरे में जो ऑब्जेक्ट को आपको मेजर करना है उसको रखते हैं जब ये दोनों पैंस बिल्कुल आमने सामने होते हैं मतलब कोई भी नीचे या ऊपर नहीं होता मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट अभी सामने रखे हुए जो वेट्स हैं उनके इक्वल हो गया है ठीक है तो इनमें से जिन बैलेंस को आपने देखा है या आपने जरूर देखी होगी इसको आप टिक करेंगे यहां पर फिर अगर आपने ये देखा है कहीं तो मिठाइयां जब आप लेने जाते हैं तो इस तरह का बैलेंस वहां पर होता है आप इसको भी टिक कर देंगे ये आपने देखा है अगर ये बैलेंस भी देखा होगा बहुत कॉमन देखने को मिलता है इसको आप टिक करेंगे ये देखा है तो आप टिक करेंगे अगर आपने नहीं देखा तो आप छोड़ देंगे ओके नेक्स्ट नाउ फ्रूट्स इन द पार्क पार्क में फ्रूट्स वॉटर मेलन एंड मैंगो वॉन्ट टू प्ले ऑन द सी सो पर वाटर मेलन और मैंगो खेलना चाहते हैं वॉटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड वाटरमेलन एक तरफ बैठ गया बट ही कुड नॉट गेट अप लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा है हिज फ्रेंड मांगो कॉल्ड अदर मांगोस क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है क्योंकि जो वॉटरमेलन है वो हैवी है बहुत भारी है तो वो नीचे ही रहेगा अगर ये हम सीसों ले एक मांगो उसको ऊपर नहीं उठा सकता तो फिर मांगो ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया दूसरे फ्रेंड्स को हिज फ्रेंड मांग हिज फ्रेंड मांगो कॉल्ड अदर मांगोस टू सिट ऑन अदर साइड्स अदर साइड अपने पास उसको दूसरे मैंगोव को बैठने के लिए उसने बोला हाउ मेनी मैनी मैंगोवेंस दॉटर मेलन फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन अब पिक्चर को देखकर बताइए कि कितने मैंगोव ने मिलकर वाटर मेलन को बैलेंस किया है तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मैंगोव हैं यहां पर आप लिखेंगे सिक्स नेक्स्ट इज हाउ मेनी कोकोनट कोकोनट कैन बैलेंस द वॉटर मेलन इफ कितने कोकोनट्स वाटरमेलन मेलन को बैलेंस कर सकते हैं अगर एक कोकोनट का वेट दो मैंगोज के इक्वल है ओके okay, एक कोकोनट दो मैंगोज के इक्वल है तो इन दो मैंगोज की जगह एक कोकोनट आएगा वन इन दो मैंगोज की जगह सेकेंड कोकोनट और यहां पर इन दो की जगह थर्ड तीन कोकोनट्स देखो वन कोकोनट इक्वल है टू मैंगोज के टू कोकोनट्स इक्वल हो जाएंगे टू प्लस टू फोर मैंगोव के और थ्री कोकोनट्स इक्वल हो जाएंगे टू प्लस टू प्लस टू यानी कि सिक्स मैंगोव के और सिक्स मैंगोव ही क्योंकि वन वाटर मेलन के इक्वल थे तो यानी कि थ्री कोकोनट्स मिलकर उसे बैलेंस कर देंगे क्वेश्चन आप समझे दो मैंगोव का वेट एक वाटर मेलन एक सॉरी एक कोकोनट के इक्वल है तो इन दो वॉटर इन दो मैंगोव की जगह एक कोकोनट आ गया इन दो की जगह सेकेंड कोकोनट और यहां पर थर्ड तो तीन कोकोनट्स मिलकर बैलेंस कर देंगे एक वाटरमेलन को यहां पर आप आंसर लिखेंगे थ्री ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आगे प्रोजेक्ट वर्क है नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वे किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड का नाम लिखिए जो आपको लगता है जिनका वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू आपके जितना ही है तो किसी भी आपका कोई भी आपका फ्रेंड जिसका जिसकी हाइट आपके जितनी हो आपके जितना ही जो हेल्दी हो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी कज़न का नाम लिख सकते हैं फैमिली मेंबर्स में से भी किसी का नाम लिख सकते हैं मोर दैन यू किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर का नाम लिखिए जिसका वेट आपसे ज्यादा है लेस दैन यू जिसका वेट आपसे कम है आपका कोई छोटा भाई या बहन है उसका कम होगा आपके मम्मी या पापा या अंकल का आपसे ज्यादा होगा और कोई कजन आपका है आपकी की एज का उसका हो सकता है आपकी इक्वल हो फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट वॉट इज़ योर वेट कुछ कौन सी वो जगह है जहां पर आप वेट चेक करते हैं सो so, कई बार आपके स्कूल में जो मेडिकल रूम्स होते हैं वहां पर वेइंग मशीन होती है हॉस्पिटल्स uh, में होती है जिम्स में होती है आप कहीं पर भी अपना वेट चेक कर सकते हैं कई बार लोगों के घर में भी होती है और फिर आपको बताना है आपका वेट कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे जितना भी आपका वेट है उतना के लास्ट में लिखेंगे नेक्स्ट नाउ नाउलेटस मेक नींबू पानी चलो अब हम नींबू पानी बनाते हैं रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघुज ग्रांड मदर रघु और उसके फ्रेंड्स ने उनकी ग्रांड मदर के लिए नींबू पानी बनाया ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर वन ग्लास ऑफ नींबू पानी एक ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया वॉटर लिया वन ग्लास शुगर चीनी ली वन स्पून एक चम्मच लेमन जूस लिया टू ड्रॉप्स, टू स्पून दो चम्मच और अ ऑफ एक चुटकी नमक लिया नाउ रघु वॉन्ट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज टू फ्रेंड्स अब रघु अपने लिए और अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है रघु हैज टू मेक थ्री ग्लासेज ऑफ नींबू पानी क्योंकि दो फ्रेंड्स हैं उसके तो उसे तीन ग्लास नींबू पानी बनाना है राइट द क्वांटिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट्स इन्ग्रीडियंट्स जिन्हें हम यूज करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए जैसे नींबू पानी बनाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स क्या है वाटर शुगर लेमन जूस और सॉल्ट तो अब आप बताइए कि कितना कितनी क्वांटिटी में उसे इन्ग्रीडियंट्स यूज करने हैं ही हैज टू मेक थ्री ग्लासेज ऑफ नींबू पानी तीन ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए तो वॉटर कितना वो यूज करेगा क्योंकि तीन ग्लासेस बनाने हैं थ्री ग्लासेस थ्री वन ग्लास के लिए एक ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए वन ग्लास वाटर था थ्री ग्लासेस नींबू पानी बनाने के लिए थ्री ग्लासेस वाटर होगा आगे है शुगर शुगर जब उसे एक ग्लास बनाना था उसने वन स्पून शुगर यूज की थी अब तीन ग्लास बनाना है तो वो थ्री स्पून्स शुगर यूज करेगा तीन चम्मच चीनी लेमन जूस जब उसने वन ग्लास बनाया था नींबू पानी तो टू स्पून दो चम्मच लेमन जूस डाला था अब क्योंकि तीन ग्लास बनाना है तो टू स्पून प्लस सेकेंड ग्लास में टू स्पून प्लस थर्ड ग्लास में टू स्पून तो कितना हो जाएगा टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स स्पूं ओके नेक्स्ट सॉल्ट कितने पिंच जब उसने वन ग्लास बनाया था अब पिंच एक चुटकी नमक अब क्योंकि तीन ग्लास वो बना रहा है तो तीनों में वन पिंच एक एक चुटकी डालेगा सो थ्री पिंचेस तीन चुटकी नमक ओके फाइंड आउट पता करिए नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर एट योर होम कुछ ड्रिंक्स के नाम बताइए जो आपके घर पर बनती हैं फाइंड आउट द इनग्रीडियंट्स यूज फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक एंड राइट दम बिलो आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है उसके लिए क्या इंग्रीडियंट्स आपको चाहिए कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आपको लिखना है नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक अब जो भी आपकी फेवरेट है वो आप यहां पर लिख देंगे दो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाय पसंद है तो आप लिख सकते हैं टी अब टी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वाटर आपको चाहिए वन कप के लिए हम देखेंगे मिल्क चाहिए शुगर चीनी चाहिए और टी लीव्स चाय पत्ती चाहिए ओके बाकी जिंजर अदरक भी आप उसमें डाल सकते हैं सो so, वाटर कितना होगा हाफ कप आधा कप पानी आधा कप दूध हाफ कप मिल्क शुगर होगी वन स्पून एक चम्मच चीनी और टी लीव्स होंगी हाफ स्पून आधा चम्मच चाय पत्ती ओके okay? इस तरीके से बॉईल करने के बाद टी बन जाएगी या फिर मान लीजिए आप, आपकी फेवरेट ड्रिंक है मैंगो जूस मैंगो जूस के लिए सबसे पहले मैंगोज आपको चाहिए होंगे मैंगो देन आइस वाटर या आइस क्यूब्स आप ले सकते हैं एंड शुगर और आ, लेमन जूस भी इसमें यूज कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन जूस ओके सो क्वांटिटी कितनी दो मैंगोज आपको चाहिए होंगे उनको पील करेंगे अच्छे से चॉप करेंगे वन कप आइस वाटर देन टू या फिर थ्री वो टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पून ऑफ शुगर एंड हाफ स्पून लेमन जूस ओके नेक्स्ट नाउ फाइंड आउट रघूज बॉटल इज फिल्ड विद फोर ग्लासेस ऑफ वाटर की ये बॉटल है जिसमें चार ग्लास पानी आता है फोर ग्लासेस के बाद ये पूरी भर जाती है हाउ मेनी glasses ऑफ वाटर कैन फिल your बॉटल अब आप अपनी बॉटल लेंगे ग्लास से वन बाय वन उसको भरने की कोशिश करेंगे और देखिये कितने ग्लास पानी से आपकी बॉटल फिल हो जाती है मान लीजिए आपकी बॉटल भर गई थ्री ग्लासेज ऑफ वॉटर में तो आप यहाँ पर थ्री लिखेंगे हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल यर फ्रेंड्स बॉटल आपके फ्रेंड की बॉटल कितने ग्लास पानी में भर जाती है अगर आपके फ्रेंड की बॉटल छोटी है तो मान लीजिए वो दो ग्लास में भर गई यहाँ पर आप लिखेंगे टू डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विदल मोर और लेस अमाउंट ऑफ वॉटर तो यहाँ पर आपके जो फ्रेंड की बॉटल है वो कम पानी में भर गई है तो आप यहाँ पर लेस लिखेंगे नेक्स्ट नेम द फ्रेंड हु कैन कैरी एक फ्रेंड का नाम लिखिए जिसकी बॉटल में आपकी बॉटल जितना ही पानी आता है आपकी बॉटल से कम पानी आता है और आपकी बॉटल से ज़्यादा पानी आता है ये आप खुद से करेंगे क्लास में बॉटल्स देख लीजिए सबकी एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग